सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एस एस वीजा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग से तुहाड़ा स्वागत करता जी। उम्मीद करता हूँ तुम सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे, राजी खुशी होवोगे, अपने परिवारक मैंबरां दे नाल होवोगे। कहिंदे ने कि ही हू हैज़ नो फेथ इन हिमसैल्फ कैन नैवर विन द रेस, कि वह इंसान या जिन्हों अपने आप पर भरोसा नहीं ना हुंदा तां कदे भी जिंदगी की रेस या कोई अपने टीचर की रेस, अपने एम की रेस नूं कदे उह जित नहीं पाउंदा छेती किते, है ना। ये आप गल तां शुरू की क्योंकि अज आप गल करन जा रहे हैं कि बहुत जणिआं ने एक क्वेश्चन पुछिआ पिछले दिनों दे विच, और इस चीज़ नूं लैके बहुत सारिया रिफ्यूजल का रीज़न भी एक ही देखने को मिले कि तुहाडा रिलेशनशिप जिहड़ा हैगा वह जेन्यून नहीं हैगा, ठीक है जी, कि तुहाडा रिलेशनशिप जिहड़ा हैगा तुसीं एक दूजे नाल अटैच्ड नहीं हैगे। तां इस चीज़ नूं बहुत सारे एप्लीकेंट पुछ लैंदे कि भाजी साडा रिलेशनशिप वी जेन्यून आ, साडी मैरिज जेन्यून हुई है, ठीक है जी, साडे कंसल्टेंट ने सब कुछ लगाया जी उहदे विच, बट फिर भी साडा रिलेशनशिप क्यों नहीं जेन्युइन गिणिआ जांदा। तां इस चीज़ दा मतलब रीज़न की है मेन, तुसीं किसी भी कंसल्टेंट कोल जांदे हो ना तां देखो चैकलिस्ट हुंदी है, है ना, अपने कोल आउणे आ जां कुछ भी आ, हरेक कंसल्टेंट ने एक बार की हुंदा कि आपां नूं डॉक्यूमेंट चैकलिस्ट आपां नूं देखणी पैंदी है, कि चैकलिस्ट दे विच सारे दे सारे डॉक्यूमेंट इनकलूड कीते हुंदे आ। चैकलिस्ट दा मतलब सिर्फ इह नहीं हुंदा कि जो डॉक्यूमेंट चैकलिस लिस्ट दे विच जां इस PDF दे विच लिखे हुए आ ओह ए टू जैड सारे डॉक्यूमेंट ही तुसीं पूरे करने आ और सारे दे सारे अपनी फाइल दे विच लगाउणे ने। चैकलिस्ट दा मतलब सिर्फ इह हुंदा कि तुहानूं एक बार ओवरव्यू हो जाए कि हाँ जी इस तरीके दे डॉक्यूमेंट जिहड़े लगदे आ, वैदर तुहाडा स्पाउस जिहड़ा परमानेंट रेजिडेंट होवे कैनेडा दे विच, ठीक है जी, वैदर उह वर्क परमिट ते होवे जां स्टडी परमिट ते होवे, क्योंकि चैकलिस्ट के सारिया डिटेल्स जिहड़ियां हैगियां इंक्लूड करके दे दी जांदियां। बट की हुंदा कि जदों आपां भी किसी कंसल्टेंट कोल जांदे आ आपां नूं चैकलिस्ट प्रोवाइड हुंदी आ, तां जिहड़े अगे इंप्लॉई अपने नाल डील करदे ने जां करदे ने उह भी चैकलिस्ट के आधार ते ही आपां नूं कहिंदे ने कि आह चैकलिस्ट हैगी तुहाडे कोल, तुसीं सानूं सारा कुछ लिया दो जी। हुण आपां छोटी जी गल करके एक देख लैंदे, एक ब्रदर हैगे उन्हें मैनूं अपनी फाइल दिखाई, उन्हां दी रिफ्यूजल सी, चलो उन्हें कंसल्टेंट ने उन्हां नूं फाइल दित्ती, उहदे विच देखिआ गिआ उस ब्रदर दा 3.5 साल पुराना सी जिहड़ा रिलेशन सीगा, ठीक है जी, ते उस तो बाद उन्होंने अपनी वाइफ नूं एल्स करवाई, उन्हें वाइफ के पासपोर्ट तक उन्हों का नाम सीगा, सारा कुछ मतलब उन्हों का रिलेशनशिप के लाइक कोई भी दिक्कत वाली गल नहीं सी, मैरिज के उनकी कोई दिक्कत वाली गल नहीं सी। इन्ना पुराना रिलेशन होंदे हुए भी उन्होंने कंसल्टेंट ने की किया जी, देखो कि हरेक की करता है कि तुसी जी होटल बिल भी लैके आओ, ठीक है जी, तुसी अगर अपने कोई विआह ते क्लोथ्स बाय किए ने, कोई अपनी शॉपिंग की है वो बिल भी तुसी लैके आओ, तो यह सारिया चीज़ा चा के नाल दी नाल की है फाइल के लगा देंगे। जदों सारा कुछ फाइल के लाने ने तो एक तुम छोटी जी चीज़ एक सोच के देखो यार, केड़ा एक जेन्युइन रिलेशनशिप हुंदा है जिहड़ा होटल बिल नूं संभाल के रखता, ठीक है। सेम गल मैनूं किसी ने कही कहना भाजी फिर बिल तो आप कोई भी नहीं सामभदे, बिल सामने बहुत सारे बिल आपां संभालदे आ, आपां ज्वैलरी बाय करदे आ क्योंकि वह आपां एक प्रॉपर्टी बाय की है, गोल्ड नूं एक प्रॉपर्टी गिणिआ जांदा है, ठीक है, ऑर्नामेंट के नाल नाल एक प्रॉपर्टी भी गिणिआ जांदा, एक इनवैसटमेंट गिणिआ जांदा जिहदे बिल आपां संभाल के रखदे आ, कल नूं आपां नूं अगर इनकम टैक्स रिटर्न दे विच कुछ पुछिआ जांदा वी तुहाडे कोल गोल्ड कित्थों आया की चीज़ है, तो आपां एटलीस्ट दिखाउण जोगे हो जाइए कि मेरे कोल प्रॉपर जिहड़ा हैगा एक नंबर का बिल है, वह अपनी प्रॉपर्टी आ, उहदा बिल आपां संभाल के रखदे आ, ठीक है जी। होटल दे विच आपां कितें घूम के आए, की होटल दे विच घूमना अपने वास्ते कोई प्रॉपर्टी है नहीं, हाँ अगर कोई जाली पेपर तैयार करते हैं, फेक पेपर तैयार करते हैं, ठीक है, फिर तो उस रिलेटड हों कि हाँ जी कि असी आपका यह डॉकूमेंट जोड़ा है संभाल के रखिए कि सानू कल कोई इस चीज़ साढ़े उंगल उंगल ना उठा दे। बट कोई भी परसन अगर आप मैरिज की अपने की शॉपिंग करते हैं, ठीक है जी, कैनेडियन इमीग्रेशन वास्ते ज अपनी लाइफ वास्ते, ठीक है, अपने हिसाब किताब वास्ते, अपने फाइनैंसिज मैनेज करने वास्ते, जो कि साडा खर्चा होया जी, की लैन देन होया, वास्ते आप जो बिल संभाल संभाल रख लें, बट नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग, कि आप सारी उम्र उन्होंने बिलों को कभी सामभ के नहीं रखते, और स्पैशली आप कभी इमीग्रेशन इंडस्ट्री में वो चीज़ नहीं दिखाते कि हाँ जी कि मैं शॉपिंग की आह वेखो मैं इन्ने के कपड़े लैके आया, यह चीज़ा मायने नहीं रखदिया होंगे। सो एक चैकलिस्ट के आधार पर तुम करते हो कि सारे के सारे चीज़ा लगा देंगे। अगर आप मेन पिन पॉइंट लैके चलीए होटल बिल्स के उपर, होटल बिल इन्ना क ज़्यादा स्ट्रोंोंग नहीं हों जी जिन्हें तुहाडे नैशनल और इंटरनेशनल आइडेंटिटी डॉकूमेंट जरूरी होंगे ने या स्ट्रोंोंग होंगे ने। अगर आप उस वीर की गल कर लीए जिन्हों के वाइफ के पासपोर्ट के उत्ते भी उन्हों का आपका नाम सीगा, उन्होंने अपने पासपोर्ट के उत्ते उन्हों का स्पाउस नेम कहता भाव, उन्होंने डॉकूमेंट इंटरनेशनल डॉकूमेंट जो अपना पासपोर्ट है वह भी अगर उन्होंने दोनों के नाम नाल बनया होया, दैट मीनस पता है कि हाँ जी ये हसबैंड वाइफ है। सैकेंडली उन्होंने को मैरिज सर्टिफिकेट है गुरुद्वारा साहब के उन्हें आनंद कार्ज होया, उन्होंने को सर्टिफिकेट है, उन्होंने को अपनी फोटोज़ है लाइक रिलेशनशिप दियाँ या ऑनगोइंग रिलेशनशिप दियाँ, जो कैनेडा उनकी वाइफ गई है वो फोटोज़ शेयर करते हैं एक दूजे नाल, अपनी चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, दैट मीनस क्या कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस से भी चल रहे हैं वो तो उन्होंने अपने रिलेशनशिप में वीक नहीं होने, तो रिलेशनशिप उन्होंने उस तरह स्ट्रोंगली जो है वह निभ रहा, वो चल रहा। दूसरे पास
आधार कार्ड होंगे, आधार कार्ड के उपर उन्होंने लाइक वाइफ का आधार कार्ड जो है केयर ऑफ उन्हें हसबेंड के नाम के उपर, जो अजकल केयर ऑफ लिखा होंगे, केयर ऑफ द बनया हुआ, दैट मीनस नैशनल आइडेंटिटी डॉकूमेंट एक उन्होंने बनया हुआ। जॉइंट अकाउंट जो है उन्होंने वो भी एक नैशनल आइडेंटिटी डॉकूमेंट के काउंट हो जाता, ठीक है जी। तो इस ये डॉकूमेंट ज़्यादा स्ट्रोंग ने अगर आप डिफरेंशिएट करके देखिए, कि या एक होटल बिल ज़्यादा स्ट्रोंग है। होटल बिल तो अगर अजक देखो इमीग्रेशन इंडस्ट्री में भी यह चीज़ पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहला फेक बिल बना के या फेक चीज़ा लगाइया जो कि वेरीफाई होंगे ने, स्पैशली चीज़ा वेरीफाई होंगे सगिया पी आर केसिज के, ठीक है जी। तो जो वेरीफाई होंगे उनकी वेरीफिकेशन क्लीयर नहीं हो पाती, तो जी चीज़ वेरीफाई नहीं होंगी दैट मीनस वह एक फॉर्जरी है, एक फेक है। यहोजी चीज़ा इमीग्रेशन इंडस्ट्री में दिखा दिखा के तो एक इमेज बना दी गई है कि स्पैशली नॉर्थ इंडिया ने या पंजाब हरियाणा ने कि यह इदा दिन चीज़ा असं फेक बना सकते हैं। सो अगर अपने को इदा दिन चीज़ा जेनुअन भी होंगे वो भी कितना ना कि अपने रिलेशनशिप से क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे कि यार तुहाडा एक इहो जिहा जेनुअन रिलेशनशिप है जो तुम होटल बिल तक संभाल के रखी जाते हो। सो कदे भी अपनी स्पाउस ओपन अपॉइंटमेंट की फाइल तुम लॉज करते हो, जिन्हें वीरां ने लॉज की हुई है चलो महाराज सुख रखन, उन्होंने सारे जोड़े है ना रिजल्ट वधिया आउण, सब ने अपनी अपनी होप्स अपन उम्मीदा रखी होंगे कि असं जावे अपनी जिंदगी इदा चलावे, अपने सुपने सुजोए होंगे ने। बट जिन्ना भी वीर ने अपनी फाइल हजे लगानी है, जिन्हें फाइल जैन के लगनी है या अगे अप्रैल के लगनी है, जिंद वाइफ हजे उन्होंने जैन के अपना फस्ट सैम शुरू करना है, वो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो कि जो भी तुम किसी कंसल्टेंट को जाने सब तो पहले आप चैकलिस्ट की डिमांड करते हैं, चैकलिस्ट हर एक कंसल्टेंट आप प्रोवाइड करता है। बट उस तो बाद चैकलिस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ खुद सोचा करो, जिवें आप स्टार्टिंग दे विच एक कोट ने यूज़ किया कि जो इंसान यार अपने आप पर भरोसा नहीं ना रख पाता तो वह कभी भी जिंदगी की रेस नहीं जितता। एटलीस्ट तुहानू अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन यूर सैल्फ कि हाँ यार कि आह चीज़ मेरे केस वास्ते मैनू स्ट्रोंग लग रही है, ठीक है। तुम उस चीज़ के उत्ते क्वेश्चन खड़ा कराया करो, क्योंकि हाँ जी कि अगर मेरा इतने होटल बिल लगता बट होटल बिल के नाल मेरे को सपोर्टिंग डॉकूमेंट ने। अगर आप रिलेशनशिप में लैके चलीए, रिलेशनशिप के अपने फोटोज़ न चैट न छड के फिर भी जो एक जेन्युइन रिलेशनशिप के होंगे विदाउट होटल बिल्स 5 तो लैके 7 सपोर्टिंग डॉकूमेंट आराम जोड़े होंगे रिलेशनशिप के ईजीली रेडी होंगे ने, ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेंट के रेडी होंगे ने, जो कि बहुत स्ट्रोंग डॉकूमेंट होंगे रिलेशनशिप में साबित करने वास्ते प्रीवियस में, ठीक है जी। ऑनगोइंग रिलेशनशिप वास्ते तुहाडियां वीडियो कॉल्स, तुहाडियां ऑडियो कॉल्स या तुहाडी जिहड़ी वट्सएप चैट है या तुसी सोशल मीडिया ते कितें भी कनैक्टड हो, तुसी सोशल मीडिया ते अपनियां पोस्ट जिहड़ियां हैगियां अपलोड करते हो, वो चीज़ां दसदियां ने कि तुसी किन्ने कि एक दूजे दे नाल अज भी लोंग डिस्टेंस दे विच जिहड़ा हैगा एक दूजे नाल बाउंड हो, तुहाडा रिलेशनशिप कितना कि स्ट्रोंग है। सो एक बनी बनाई चैकलिस्ट के आधार पर ना यह चीज़ रहा करो, क्योंकि बहुत सारे कि कंसल्टेंट भी स्टडी वीज़ा नाल डील करते हैं, एप्लीकेंट ने अपनी वाइफ का स्टडी वीज़ा लगाया होंगे, उन्होंने माइंड के कंसैप्ट बनया होंगे कि उन्होंने सानू आह एक चैकलिस्ट दिती सी, असी ये अकॉर्डिंग अपने डॉकूमेंट प्रिपेयर किए, मेरी वाइफ का वीज़ा आ गया, ठीक है जी। तो मैंने भी इन्होंने हुण चैकलिस्ट दी है, मैं भी ये अकॉर्डिंग कर लूँगा मेरा वीज़ा आना। बहुत सारे आते हैं क्योंकि डॉकूमेंट जो चैकलिस्ट के सारे ही पाते, ठीक है जी, तो फाइल के भी सारे लग गए, ठीक है, या तो फिर कोई ना कोई एक डॉकूमेंट लैके बह जाता तो या फिर सारे सारे ही अपन उतार देंगे ने। स्टडी वीज़ा के होंगे जी, स्टडी वीज़ा के पैट डॉकूमेंट्स होंगे ने, अगर आप गल कर लिए एल ओ ए होगी, ठीक है जी, कॉलेज की, उस तो मुड़ के फीस स्लिप्स होंगे ने, जी आई सी हो गया, स्विफ्ट कॉपीज़ हो गई, एक्स वाई जेड जिन्हें भी डॉकूमेंट्स बनते हैं, कि पैट डॉकूमेंट होंगे ने जिहड़े आपां नूं प्रोवाइड करने ही पैंदे ने अपने स्टडी वीज़ा वास्ते। बट ऑन द अदर साइड अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट की गल कर लीए, तो ये हरेक परसन का स्टोरी, हरेक परसन का केस जिहड़ा हुंदा अलग अलग हुंदा। अगर आप फाइनैंसिस की गल कर लीए, चाहे दोनों एप्लीकेंट हो, मान लो आप दो एप्लीकेंट्स नूं प्रिपेयर करते हैं, दोनों दोनों एप्लीकेंट हो, दोनों ही एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में डील करते हो, तो भी दोनों के फाइनैंसिस फंड्स जोड़े होंगे डिफरेंशिएट करते हो, क्योंकि कभी भी उनकी इनकम टैक्स रिटर्न सेम नहीं होंगी, कभी भी उनके अकाउंट का ट्रेंड जोड़ा है सेम नहीं होंगे, ठीक है जी। सो रिलेशनशिप की गल कर लीए, कोई किसी का रिलेशनशिप 2 साल पुराना है, किसी ने मैरिज ही अपनी आफ्टर वीज़ा करवाई हुई है, सो सारिया चीज़ों तुम खुद ब खुद एक बार देखा करो यार, क्योंकि अजक आप इन्ने ज़्यादा उस चीज़ को लैके मच्योर हो चुके हैं, इन्ना सबन पता होंगे, इतने आके क्लाइंट गल करता है तो पता लगता कि यार कि वह ओबियसली गल आ, चाहे किसी वीडियो तो होवे, चाहे किसी कंसल्टेंट को होवे, चाहे किसी अपने वड्डे तो छोटे तो किसी ना किसी तो वो चीज़ा सीख के परख के फिर आया गल करन, उस चीज़ की खुशी होंगी कि दैट मीनस यार ही और शी इज़ जनरेटिंग अ क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन जनरेट करते हैं, तो उत्थे कि आंसर देने दे भी एक मज़ा आता कि हाँ यार कि अगर वाकई वो एक जेन्युइन क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, तो आप उन्होंने दसांगे, उन्होंने क्वेरी को जस्टिफाई करांगे, तो दैट मीनस कि दोनों धिर रल के एक कंसल्टेंट एंड एंड एप्लीकेंट रल के जिस रेस में जोड़ा है जितया जाता है या इस एम में जोड़ा है जितया जाता। सो तुम भी अपनी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल जो भी लाने हो तो इन चीज़ों का प्लीज़ जो हूँ ध्यान रखा करो, स्पैशली इन द केस ऑफ रिलेशनशिप और मैरिज। सो तुम अपनी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल प्रोसैस करवा चाहते हो, अपनी फाइल लगवा चाहते हो जी, या बारे कोई भी जानकारी लैना चाहते हो,
ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਨੇਨਗਾ ਸਰਵਿਸ ਜੱਤੋ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707857530705007037078573038। ਧੰਨਵਾਦ।